नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड की महिला वार्डनों का सम्मान समारोह मंगलवार को अलीनगर स्थित एक भवन में आयोजित किया गया। करीब 30 वार्डन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक वार्डनों के अनुशासन और सेवा कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है। वार्डन समाज और प्रशासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। महिला वार्डनों की भूमिका मतदाताओं को जागरूक करने, यातायात जन जागरूकता आदि में महत्वपूर्ण रही है। आपदाओं के समय भी कोतवाली प्रखंड के वार्डन अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के मौके पर हमारी येलो आर्मी पीले रंग के एप्रिन में अनुशासित ढंग से दिखाई देती है। निस्वार्थ सेवा भाव से नागरिक सुरक्षा के सदस्य हर आपदा व सामाजिक गतिविधियों में निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। इस अवसर पर शालिनी गुप्ता, शालिनी वर्मा, रितिका मिश्रा, हुमैरा खातून, आरजू खान, शिवानी विश्वकर्मा, कुमारी शिक्षा, खुशबू गौड़, मुस्कान इजा खान, सिमरन सहित अनेकों महिला वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सम्मानित हुई नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन महिला आरजू खान, शिवानी विश्वकर्मा, रितिका मिश्रा व हुमैरा खातून तथा सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्यप्रकाश सिंह ने कहा। महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका, डिजास्टर आएगा तो उसमें महिलाएं भी इंजर्ड हो सकती हैं, तो उनको केयर करने के लिए उनको तमाम टीमों में बांध करके उनको आगे लाने का एक प्रयास है। तो इसका डेट उसमें हम लोगों ने लगभग 10 से 20 महिलाओं का सर्टिफिकेट, लगभग 50 महिलाओं को हमारे इस स्थानीय में सम्मानित किया गया है। और सम्मानित करने का मकसद ये है कि हम डिफेंस में है जो सबको सेक्टर वार्डन है हम भी, और सारी लड़कियों को सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे हम लोग रह के, और काफ़ी सम्मान मिलता है। जहाँ तक लोग नहीं जानते थे, अब काफ़ी लोग जाने लगे हैं और सम्मानित महसूस होता है। और हमने तो 3 साल हो गया है इसमें ज्वाइन किए हुए, और हमारी लड़कियाँ हमारे कोचिंग से चलती हैं, तो उसमें मेहंदी प्रतियोगिता होता है, रंगोली प्रतियोगिता होता है, तो ये लोग फर्स्ट भी आई हैं। तो यही सब बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत अच्छा सम्मान मिला। आज आपको सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कोई आपदा हुई या फिर कोई जागरूकता करने के लिए, मतदान जागरूकता के लिए, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। रेलवे विश्वकर्मा बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हम लोग इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं हमेशा, और लड़कियाँ हमेशा मतलब करती रहती हैं, मैं बुलाती हूँ मतलब करते रहते हैं। महिला सुरक्षा में जैसे कोई मतलब आपदा आ गया तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, मदद करते रहते हैं हम लोग सबको। मोमिना खातून में हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक योगदान मिला है, और हम लोग इस कार्यक्रम में 2-3 साल से हैं, और हम लोग को प्रमाणित भी किया गया है। और हम लोगों का एक महिला वार्डन है, ये कोतवाली वार्डन, हम लोगों को बहुत ही हम लोगों का सम्मान हुआ, और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, और हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं महिला भी कुछ कर सकती है। हम लोगों का यही है, कहीं कुछ प्रोग्राम होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, कोई आपदा है या कुछ और भी चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा लड़की आगे रहती है महिला वार्डन। नमस्कार, मैं सिविल डिफेंस में कोतवाली प्रखंड 10 की सेक्टर वार्डन हूँ, मिस रितिका मिश्रा। और आज हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मानित किया गया है सिविल डिफेंस की तरफ से, क्योंकि हमारा 60वां स्थापना दिवस के तौर पे जो महिलाओं ने रैली निकाली थी और बाकी सिविल डिफेंस की टीम ने, तो उसमें बहुत ही जोर शोर से महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से हमारे कोतवाली प्रखंड को ढेर सारे सम्मान से नवाजा भी गया है। इसके तहत हमें आज महिला वार्डन का सारा सम्मान किया गया है, जिससे हम काफ़ी खुश हैं, और इससे हमारी महिलाओं
में एक ऊर्जा आएगी नए कामों को करने का, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहित हुई भी है काफ़ी और लोगों में काफ़ी उत्साह है। सम्मान को प्राप्त करके आगे भी हम ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे और सम्मानों को प्राप्त करते रहेंगे। मैं बाकी महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो भी अपनी दैनिक जीवन के कार्यों के अलावा भी देश के साथ, देश के मतलब क्या बोलूँ मैं, अपने दैनिक जीवन के कार्यों के अलावा भी देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ ना कुछ देश के लिए उन्हें करना चाहिए। परिवार के लिए हम कर ही रहे हैं तो कल अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिससे हमें एक ऊर्जा मिले और दूसरों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस। आज अग्रवाल भवन में नागरिक सुरक्षा की जो महिला टीम है, महिला विंग है, जो जिसके कोऑर्डिनेटर मनोहर सुल्ताना जी हैं, उस टीम की एक कोतवाली प्रखंड की लगभग 30 महिलाओं को आज सम्मान दिया गया। किसी कारणवश वो हमारे यहाँ जो स्थापना दिवस कार्यक्रम में जो महिलाएं छूट गई थी उनका सम्मान होना था, तो एक तो ये था। इसी तरह की हमारी तीनों प्रखंड की इस तरह की टीम है और उसको हम लोग समाज में और बेहतर करने के लिए, नागरिक सुरक्षा के कार्य हेतु, सामाजिक कार्य हेतु, इनको आगे बढ़ा करके और एक लीडरशिप दे करके इनके माध्यम से हम लोग और आशा के अनुरूप और इनकी जो भी कैलिबर है काम करने की, चूँकि ये ट्रेंड महिलाएँ हैं, डिजास्टर में चाहे फायर फाइटिंग हो, चाहे फर्स्ट एड हो, चाहे रेस्क्यू हो, ये कर लेती हैं, तो यही चीज़ आगे भी ये कैरी करेंगी समाज में, इसकी बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने बहुत इसकी आवश्यकता महसूस की थी, इसीलिए तीनों डिवीज़न में हमने खड़ा किया है मनोहर सुल्ताना जी के कोऑर्डिनेशन में। तो ये हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है और इनके लिए अच्छा है, क्योंकि एक ये क्वालिटी पीपल मतलब कह सकते हैं कि इनके पास एक दक्षता है और इस दक्षता का प्रमाण पत्र पहले भी हम लोग दे चुके हैं। तो यही आज उनका एक सम्मान होना था। जो हमारे डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सरस श्रीवास्तव जी, जो कि आप जान रहे हैं हमारे सेकेंड इन कमांड है, इनकी अध्यक्षता में और ये कार्यक्रम किया गया है। विकास जालान जी हैं, जितेंद्र उपाध्याय जी हैं और हमारे एक सीनियर गेस्टेड ऑफिसर वेद प्रकाश जी, जो कि हमेशा इन सब कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इन सब को लेकर के हम लोगों ने एक सम्मान समारोह किया। थैंक यू वेरी मच।